कुछ सरवरीय लोग कुछ ब्राह्मण लोग ये भी इकट्ठे हो गए। उन्हां सरवरियां दे विच खोजे मुंडे सन, उन्होंने खोजे कहा जाता से। जदों सिख बौली बन तो पहला खूह तो पानी भरन वास्ते जाते सन, इन्हां खोजियां ने उन्हां सिखां दे उपर निशाने लाने शुरू किए, उन्हां दियां घड़े भन देने, फिर गागरा लईयां गागरा विन देनियां। इदां करके बहुत बार झगड़ा भी होया, पर सतगुरु गुरु अमरदास महाराज निम्रता दे पुंज सतगुरु साहब जी ने हमेशा सिखां नूं शांति रखण वास्ते कहा। एक दिन वह इन्ने वधे खोजे कि जिथे वह गुरु के सिखां नूं परेशान करते सन, उन्हां दी विरोधता करते सन। एक दिन उन्हां खोजियां ने इदां ही वधीकी करदियां करदियां सन्यासी साधु आए से, वह जदों पानी भरन वास्ते गए, उन्हां ते गलेले का निशाना लाया ते निशाना साधु दी सन्यासी दी अख दे विच जाके वज गया। उन्हां सन्यासियां दे कोल शस्त्र सन, वह शस्त्रधारी सी, दोवें पासियों तो तलवारां दे नाल लड़ाइयां होईयां, दोवें पासियों तो भारी नुकसान होया। कुछ समय वास्ते खोजे जिहड़े सन टिक के बैठ गए, हट गए गुरु के सिखां नूं मखौल करनों तंग करनों, पर बहुता समा ना लंघिया इन्हां ने फिर उवें करना शुरू कर दिता। इन्हां दा हौसला इन्ना को वध गया कि एक दिन शाही खजाना जिहड़ा है वह दिल्ली नूं जांदा पिया सी। रस्ते दे विच मीह झक्खड़ हनेर आया, वह जिहड़ा शाही खजाना खच्चरां ते लद्दिया होया वह लोग गोइंदवाल साहब की धरती ते रुके। कुछ तेज हवा वगण करके झक्खड़ वगण करके एक खच्चर उन्हां दी विछड़ गई, ते वह जदों भुल गई ते इन्हां खोजियां ने उस खच्चर नूं अपनी हवेली दे विच ताड़ दिता। उहदे ते खजाना लद्दिया होया सी, जदों उहनूं ताड़ दिता ते उस वक्त जदों खच्चर की गिनती की गई, एक खच्चर घट, वह जिहड़े छपाही सन शाही खजाना लैके जा रहे सन उन्होंने लभण का यतन किया, घर घर फोलना शुरू किया। इन्हां खोजियां ने रौला पा दिता कि खच्चर सिखां ने चोरी की है। हुण जिन्ना चिर कोई प्रूफ नहीं मिलता, जिन्ना चिर पता नहीं लगता कि खच्चर है कित्थे, जदों वह छपाही लभ रहे सन वह खच्चर उस वक्त उन्हें हींगना शुरू किया और खोजियां दी हवेली दे विचों जाके मिली, ते उस वक्त वह जिहड़े छपाही सन उन्होंने खोजियां नूं पकड़िया, नाल ही एक गोंदे दा पुत्तर भी पकड़िया गया। एक गोंदे दी पत्नी जिहड़ी अपने पुत्तर नूं लैके गुरु अमरदास महाराज की शरण विच चली गई, एक बच गया एक पकड़िया गया। जिहड़ा गोंदे दा पुत्तर पकड़िया गया उहनूं मौत दी सज़ा सुनाई गई। कुछ खोजियां दे हाथ पैर कट दिते गए, कुछ नूं मार दिता गया, कुछ नूं नाल लैके जिहड़े छपाही सन अपने नाल दिल्ली बन के लै गए। बड़ा बुरा हशर होया। ये खोजे उस तो बाद सदा वास्ते गोइंदवाल ते आले दुआले दा इलाका छड के किते दूर चले गए। पर कुछ विरोधी लोग जिहड़े जात अभिमानी सन, भावें खोजियां तो सिखां नूं राहत मिल चुकी सी, पर जिहड़े जात अभिमानी लोग सन वह अजे भी बाज नहीं सी आ रहे। उन्होंने यतन किया कि उस वक्त अकबर बादशाह जिहड़ा दिल्ली दे तख्त ते बैठा होया, हमाजू दा पुत्र है, हमाजू तो बाद तख्त ते बैठा है, वह लाहौर दी धरती ते आया। ते जिहड़े जात अभिमानी ब्राह्मण पंडित लोग सन ये सारे दे सारे उस वक्त अकबर दे कोल लिखती शिकायत लैके पहुंचे। कहिंदे गुरु अमरदास महाराज जी तो साडे धर्म नूं खतरा है, गुरु अमरदास जी ने साडी जात पात खत्म कर दित्ती, सारियां नूं एक बराबर पंगत विच बिठा के प्रशादा छकाउणा शुरू कर दिता, सारियां नूं एक थां तों पाणी दी वरतों करवाई जांदी है, साढ़े वेदां शास्त्रां रीतियां दे उल्ट करदा पिया है, वह गंगा जमुना इत्यादिक तीर्थ थावां दी निंदिया करदे पए हन। जो कुछ कीता जा रहा वह सारे दा सारा साढ़े वेदां दे उल्ट है, उहदे ते कारवाई होनी चाहीदी है। सानू गुरु अमरदास महाराज जी तो साड़ी रक्षा करनी चाहीदी है।
अकबर बादशाह बड़ा नीतिवान सी, सियाणा सी। उन्हें उस वक्त नीति तो कम लेंद्या होया गुरु अमरदास महाराज नू गोइंदवाल साहब की धरती ते सुनेहा भेजिया कि तुहाडे खिलाफ ये शिकायत इन्हां पंडित लोगों ने की है, तुसी अपना पक्ष दसन वास्ते, अपना पक्ष पेश करन वास्ते अपने किसी नुमाइंदे नू लाहौर की धरती ते भेजो। उस वक्त गुरु अमरदास महाराज जी ने भाई जेठा जी नू जिन्हां दी उम्र तकरीबन 23 साल दी सी, भाई जेठा जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई बल्लू जी इत्यादिक सिखां नू लाहौर की धरती ते भेजिया ताकि ये गुरमत का पक्ष जेड़ा है अकबर के दरबार विच जाके पेश कर सकन। अकबर ने जदों पुछया कि आ सारे इल्ज़ाम इन्हां लोकां ने लाए है, गुरु रामदास महाराज भाव भाई जेठा जी के रूप में उन्होंने ऐसे सुंदर तरीके दे नाल जवाब दिता, वो जेड़े पंडित ब्राह्मण सन उन्होंने निरउत्तर कर दिता। कह दिता भाई जेठा जी ने साडा इन्हां वेदां शास्त्रां रीतियां दे नाल संबंध ही कोई नहीं है, साडा की संबंध है, असीं इन्हां तो बिल्कुल वखरे हाँ, ये तो तीसरा पंथ है, वखरा पंथ है। जदों ये सारियां गल्लां तो भाई जेठा जी ने निरउत्तर कर दिता और ऐसे ढंग दे नाल बयान किया कि अकबर नूं भी समझा दिता कि बादशाह तू बादशाह तां जे प्रजा दे नाल न्या करें, तू बादशाह ताए जे तू प्रजा दे विच पईयां होईयां घाटां नूं दूर करें। उत्थे भाई जेठा जी ने सती प्रथा भाव जिहड़ी इस्तरी चढ़ाई कर जांदी होए, जिहड़ा पति चढ़ाई कर जांदा नाल इस्तरी नूं विसाड़ दित्ता जांदा सी, उहनूं सती प्रथा कहा जांदा सी, पर्दे की प्रथा सी, इह सारियां समस्यावां ते कुरीतियां तों जाणू करवाया। जिहड़ा धार्मिक तीर्थां दे उपर भावें उह हिंदू धर्म दे सन पर सतगुरु गुरु नानक दे घर दे लई ते कोई वितकरा नहीं ना, उन्होंने इस गल तो भी जाणू करवाया कि जिहड़े गंगा जमुना तीर्थां ते जांदे है उन्हां तों टैक्स वसूलिया जांदा, वह भी बंद कर दिता जाए। ये सारियां गल्लां वल अकबर दा ध्यान दवाया, अकबर बड़ा प्रसन्न होया। जदों प्रसन्न होया ते उस वक्त बड़े अदब सत्कार दे नाल उन्हें गुरु के सिखां नूं भाई जेठा जी नूं विदा किया। जदों आप अकबर बादशाह लाहौर तो दिल्ली जान लग्या, रस्ते दे विच गुरु अमरदास महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते आया। जदों दर्शन करन वास्ते आया ते जेड़ा सिद्धांत आम सिखां ते आम लोकां ते लागू हुंदा है कि पहलां वो गुरु दरबार दे विच पंगत विच बैठ के प्रशादा छकन फिर संगत विच जा सकते हैं, यही सिद्धांत समय दे बादशाह अकबर दे उपर भी लागू होया। अकबर बादशाह ने भी पहला पंगत विच बैठ के प्रशादा छकिया। सच ये है गुरु नानक साहब महाराज जी दे बारे भाई गुरदास साहब जी ने कहा सी कि गुरु नानक दे साहब ने कीता की है, राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। गुरु नानक साहब दे घर ने राणा ते रंक गरीबां ते अमीरां नूं बराबर कीता। सचमुच गुरु अमरदास महाराज दे दरबार विच बैठ के समें दा बादशाह प्रशादा छकदा पिया है, बराबरता कीती गुरु नानक साहब महाराज दे घर ने। फिर जदों अकबर गुरु अमरदास महाराज नूं मिलिया, दर्शन किते, उन्हें धर्म के संबंध में बहुत सारे सवाल किए गुरु अमरदास महाराज जी ने। सतगुरु साहब ने अकबर नूं आत्मिक तौर के उपर मन नूं शांत रखने वास्ते बहुत सारा उपदेश बख्शिश किया। सतगुरु साहब जी ने अकबर के सारे सवालों का जवाब दिता। अकबर बड़ा खुश होया, उन्हें जतन किया, कहन लग्या ये लंगर किवें चलता है। महाराज कहन लगे कहिंदे ये सिखां दे एक एक पैसे दे दसवंध नाल चलदा है, बिल्कुल सारियां नूं मुफ्त छकाया जांदा है। सतगुरु कहिंदे बिल्कुल सारियां वास्ते है, उन्हें एक जगीर देनी चाहिए। कहिंदा मैं गुरु घर दे नां दे उपर इस लंगर दे लई एक जगीर दिंदा हाँ। गुरु अमरदास महाराज कहन लगे कहिंदे गुरु नानक दे घर दा लंगर जगीरां नाल नहीं चलदा,
ये सिखां दी किरत दे नाल ही चलदा। मैनूं खिमा करियो जे अज वर्गा इतिहादिक धर्म दे आगू हुंदे जिहड़े केवल ते केवल अपना निजी फायदा सोचदे है वह कदाचित वास्ते इन्नी बेबाकी दे नाल गल ना कह सकदे। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहन लगे ये सिखां दी किरत दे नाल चलदा है, उन्हां दे दसवंध नाल चलदा है, ये बादशाहां दीआं जगीरां नाल नहीं चल सकदा। पर अकबर ने देना चाहिया, उन्हें एक झबाल की जगीर बीबी भानी जी के नाम के उपर लवा दी। गुरु अमरदास महाराज जी ने समय दीआं समस्यावां जिवें भाई जेठा जी ने अकबर के सामने रखिया सी, इदां ही गुरु अमरदास महाराज ने रखिया। तो सतगुरु ने कहा कि आ देख एक पति चढ़ाई कर जाए, इस्त्री का की कसूर है, इन्हां नूं सतियां कर दिता जांदा है। महाराज ने कहा यह पर्दे दे विच रखिया जांदा है, किन्ने जुल्म हुंदे पए है। जदों ये सारे पक्षां तों जाणू करवाया, अकबर बड़ा प्रसन्न होया, प्रसन्नता दे नाल गुरु अमरदास महाराज नूं नमस्कार करके गया। वो जिहड़े विरोधी लोग सन उन्हां दे बिल्कुल मूँह बंद हो गए। वो गुरु घर का ऐसा श्रद्धालु बनिया कि अकबर ने हमेशा गुरु घर दे विच श्रद्धा रखी।